साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो के साथ में। और ठंडी इतनी पड़ रही, बर्फ़ पड़ रही, आप ये देख लो सामने जो है पत्ती सफ़ेद हो रही बिल्कुल। पाला इतना पड़ रहा ज़बरदस्त, आज पाला इतना पड़ रहा, इतनी बर्फ़ पड़ रही कि पत्ती बिल्कुल सफ़ेद हो रही। मैं आपको दिखाऊं, कैमरे में आपको शायद दिख भी जाएगी, आप ये देखो, देखो किस तरह से टिमटिमा रही है जो है बर्फ़। ये बिल्कुल सफेद बर्फ है एकदम, ये देखो, ये मैं आपको दिखा दूं, ये पाड़ा है और इस टाइम जो है हाथ पैर बिल्कुल कटे जा रहे, जूते जुराब सब फेल हो रहे। और दूसरी बात आप ये देखो कि खेतों के अंदर सुबह सुबह इस टाइम जो है 6 बजे हुए हैं और सुबह के 6 बजे आप ये देखो अभी दिन निकला ही है, रोशनी थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हुई है। और किसान मजदूर ठेकेदार ये सब गन्ना छील रहे, इनकी हिम्मत है कि ये कैसे छिलाई कर रहे, मतलब सर्दी में भी किसान का काम नहीं रुकता, गर्मी पड़े सर्दी पड़े बर्फ़ पड़े बारिश पड़े कुछ भी हो, लेकिन किसान को अपना काम करते रहना ज़रूरी है। अब आप ये देख लो गन्ना छीलने का आलम कैसा है। अब ये दो भाई लगे हुए हैं यहाँ गन्ना छीलने के लिए और ये ठेकेदार है बाहर से आ रहे बेचारे। और आप ये देखो ये गन्ने की पत्ती उतार रहे और आग जला रखी अपने पीछे। क्या हाल है भैया? इधर पत्ती उतर के इस पर जाती रहेगी और आग जलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी सी जो है आँच आती रहेगी जिससे इनका गन्ने का काम चलता रहेगा। ये देख लो ऐसे। तो भाइयों दिखाने का मतलब ये है कि किसान का काम नहीं बिल्कुल भी जो है वो कहाँ मानता है, सर्दी हो या गर्मी हो कुछ भी हो। अब इतनी भीषण सर्दी में गन्ना छील रहे, कोई खेत में पानी चला रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो आज पाड़ा इतना है बेहद। अब बताओ ये गन्ने पे पाड़ा जम रहा, अब ये छीलते रहेंगे सीखते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन किसान का काम किसी को दिखाई नहीं देता। सबको ये लगता है कि किसान तो जो है अपना मजे ले रहा। अरे भाई किसान का काम करके तो देखो कोई चलेगा पता कैसे हो है। घर से गन्ना छील लें? अच्छा अभी आए, इसका मतलब है। चलो चलो, तो शाम को भी कर गए थे कुछ पूड़ी? चार पूड़ी शाम को कर गए थे। भाई पाड़ा बहुत पड़ रहा है, सर्दी सर्दी बहुत है। हाथ ना काम करते कर या पत्ती ना जलाए तो एक पूड़ी छोलना भारी। हाँ पत्ती ना जलाए तो एक भी पूड़ी नहीं छोले हैं। सही बात सही बात सही बात। चलो खैर भैया करो अपना काम। और दूसरी बात ये हमारे भी जो है भैया उधर हमारी छोल चल रही, ये हमारा आखिरी खेत है जो रह रहा पिड्डी का, इसमें तिवरसी पिड्डी रखेंगे। लेकिन पाड़ा इतना पड़ रहा हमें नहीं लगता कि इसमें तिवरसी फूट जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। आप ये देखो बर्फ का जो है पाड़े का कितना, ये देखो ये आपको दिखा दूं यहाँ ये सबूत, ये देख लो, देखो ये देखो ये देखो ये देखो किस तरह से टिमटिम आ रही। ये टिमटिम जो हो रही ना ये पाड़े की हो रही। आप ये देखो राख पे कितना जम रहा पाड़ा और गन्ना जो है बिल्कुल सुन हो रहा इस टाइम। चलो खैर मैं आपको भाई से बात करवाऊंगा। अरे छोटा न क्या बात है यार, आज तन्ने यार 10-5 पूड़ी करके रहेगा जड्डा मान के दिखे, पाड़ा कितना पड़ रहा बता पहले तो। जड्डा बिल्कुल बहुत ज्यादा है जी, देखिए सुबह से छोल में आए हुए है, सारी पत्ती फूंक दी है, सारी जड़ाई तन्ने तो सारी पत्ती फूंक दी है। यार इतनी पत्ती ना फूंको तब मैं इसमें फलाऊंगा क्या खेत में मेरे यार, ये तो पाड़े मर जाए। इसमें जड्डा मरेगा, एक बात बताओ तुम। नहीं खैर बात तेरी ठीक है, आज पाड़ा कल से आज 4 बजे आए थे, आज सारी पत्ती फूंक दी, आज पाड़ा कल से भी ज्यादा है, कल से भी ज्यादा है जी, बिल्कुल बिल्कुल कल से भी ज्यादा है। आज जो है मुझे लगता है मेरे बुखार भी आ जाए, बुखार बुखार भी हो गया है जी, बुखार हो गया जड्डे में। चलता तू बुखार में छोला ना बड़े लो,
तेरे करने कैसे रहेगी, तेरे पीछे क्यों रहेगा तू उस्ताद? आज ठंड ज्यादा है जी। ठंड ज्यादा है आज? ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। मैंने डबल जुराब पहन रखी है। डबल जुराब? और जहाँ तक है मैं गर्म कपड़ा इतना पहन रहा हूँ फिर भी ठंड नहीं जा रही है। अच्छा रहा? बिल्कुल भी नहीं जा रही है आज ठंड जी। चल ठीक है, बिल्कुल हद से ज्यादा आग हो रही है। आग में सेक ले तू। मैं सेक कर छोड़ रहा हूँ। असलम हाँ जी, गड्ढा हो रहा जी? बस गड्ढा क्या, बस यू मान लो जान बचानी भारी हो रही। जान बचानी भारी? हाँ जी। अरे अभी तो चल गया, तो गोबर की ट्रोली भी भरेगा खाद की। वो तो जब तो धूप निकल जाएगी। अजी निकल गई धूप, अंशुमन तैयार हो रहा, ट्रैक्टर ट्रोली जोड़ रखी उसने। वो तो जब तो धूप निकल जाएगी जी। निकला ना सजाद? हाँ जी भाईजान। बस तेरे भी गन्ने थोड़ी रह रहे, अब छोल देते तो। एक पुली का गन्ने रह रहे जी। हाँ तो ना छोलने में छोल दिया है। हाँ जी ना छोलने में है जी, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन देखो ये पाला पड़ रहा जी। अरे देख वो नु कह रहा बुखार हो रहा और गन्ना चूस रहा ठंडा ठंडा। छोटन बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा। अच्छा सलाम नु बता, ये जो पाड़ा पड़ रहा अब इसमें गन्ने में तो पानी देना चाहिए ऐसे में तो? जी जी जी। नहीं तो पत्ती जल जाएगी है? जल जाएगी जी पत्ती। अच्छा सिरसों को तो कोई दिक्कत नहीं? सिरसों को तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सरसों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत है पाले में। पाले में परेशान नहीं है भाई, पाड़ा वाकई में बहुत है। बहुत पाड़ा है भाई, देख सूरज सूरज आ तो गया थोड़ा थोड़ा सा बोरा। हाँ जी। आ तो गया भाई सूरज थोड़ा थोड़ा सा बोरा। गेहूं की जो फसल है उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पाला अगर गेहूं पे लगता है, गेहूं की पत्ती जो है उस पर जब ये बर्फ जमती है तो वो खाद का काम करती है, लेकिन और फसल के लिए ये नुकसानदेह है। जैसे आलू होगी और सरसों होगी, इनके लिए ये पाला जो है वो ठीक नहीं है। और दूसरा गन्ने के लिए भी, गन्ने का जो ऊपर की जो पत्ती है ये सूख जाती है, अगर इसमें सिंचाई नहीं करी गई तो ये सूख जाएगी। लेकिन गेहूं के लिए पाला जो है बहुत ही फायदेमंद है। गेहूं में तो ये यूरिया का काम करता है, और इस बार सीजन में जो है अभी दो या तीन दिन ही पाला पड़ा, बाकी कोहरा ही कोहरा रहा जबरदस्त। और ये हमारे गेहूं है, और उस दिन मैंने इनमें खाद डाला था, इन गेहूं में जो है ये अब कुछ ठीक हो गए, इनके पीलापन कम हो गया। अब इनमें आज पानी करूँगा, और उसके बाद जो है इन जो ये पौधे हैं हमारे गन्ना पौधा, इन सब में भी पानी करा जाएगा। आप उधर देख लो वो जो खेत है इसके पार, वो खेत बिल्कुल जूता पड़ा, उसमें पत्ती कटी पड़ी, वो बिल्कुल सफ़ेद हो रहा, उसमें भी सफ़ेद दिखाई दे रहा बिल्कुल। और उधर वो पीली आपको सरसों दिखाई दे रही होगी, सरसों भी अच्छी हो रही, लेकिन ये पाड़ा जो है सरसों के फूल के लिए सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि फूल की पत्ती बहुत नाजुक होती है, वो पाड़े में ख़राब हो जाती है। पर जैसे भगवान रखेगा रहना पड़ेगा। सूरज देवता जो है दस्तक दे चुके हैं, और आधे घंटे में पूरा पाड़ा ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर बिल्कुल अच्छी धूप खिल जाएगी। पाले का दिन गर्म होता है, क्योंकि जब पाला जो है जब सूरज निकलता है कोहरा तो होता नहीं, पिघल के बराबर हो जाता है, और फिर दिन जो है बढ़िया गर्म होता है। और गेहूं के लिए ये मौसम सबसे अच्छा है। वो मौसम गेहूं के लिए अच्छा नहीं होता जो सर्दी तो होती है लेकिन कोहरा कोहरा, सूरज नहीं निकलता, धूप नहीं खिलती, तो उसमें गेहूं जो है वो पीले पीले हो जाते हैं, वो गेहूं के लिए मौसम ख़राब होता है। लेकिन जो पाला जो पड़ता है ये गेहूं के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें गेहूं ग्रोथ करता है और गेहूं की पत्ती चौड़ी होती है। लेकिन सिंचाई का ध्यान रखना पड़ता है, पानी ज़रूर चलाना पड़ता है। मैं आज अपनी ट्वेल लगभग दो तीन दिन पहले मैंने चलाई थी, और आज चलाऊंगा। आज जो है नंबर वार अपने खेत की सिंचाई शुरू करूंगा। सबसे पहले तो ये वाले जो गेहूं है यही भरूंगा, उसके बाद ये गन्ना है ये भरा जाएगा, और फिर वो पौधा है वो भरा जाएगा, उसके बाद वो वाला पौधा वो भरा जाएगा, और फिर वो पूरी जो पट्टी है 18-20 बीघे की वो भरी जाएगी। लगभग 2-3 दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा जंगल जो है भर जाएगा, और आगे फिर आगे वाले जंगल में पानी जाएगा। कल जो है ये नाली जो है खाड़ बिल्कुल साफ़ कर दी थी, फर्स्ट क्लास बना दी थी पानी चलाने के लिए, बिल्कुल एकदम साफ़। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हमने वो नाली बिल्कुल साफ़ करा दी। ये देखो ये नाली है हमारी, खाड़ जो है हमने इसको बिल्कुल जो है कल क्लियर करा दिया, सारा घास जो है इसमें साफ़ करा दिया, और सूरज देवता
आप देख लो किस तरह से जो है गोल गेंद की तरह आ रहे ऊपर, और बिल्कुल एकदम ये खाल जो है क्लियर करा दी। आज इसमें पानी चलेगा, अब लाइट आने वाली है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, लगभग 8 बजे के आसपास आएगी। और गन्ना आप ये देख लो जी, गन्ना ये हमारा पौधा गन्ना है, और ये भी काफ़ी बढ़िया गन्ना हो रखा। इस खेत से बहुत उम्मीद है, और अगले महीने में इस गन्ने की छिलाई शुरू हो जाएगी पौधे गन्ने की। तो ये हमारे थोड़े से खेत हैं, छोटी सी खेती है, जैसी भी है अच्छी बुरी आपके सामने है। बस पूरा दिन ऐसे चला जाता है गन्ने डालने में और खेत की रखवाल करने में ही, क्योंकि इन दिनों में ज़्यादा काम तो है नहीं, पर फिर भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये खेत की पत्ती जो है इसको जलानी है, और सॉरी पत्ती जलानी नहीं है, इस पत्ती काटनी है। फैला तो मैंने दी, कुछ पत्ती रह रही जो बिन फैला रह रही, इधर इधर वाली पत्ती रह रही वो फैलाई नहीं गई थी, वो फैला के एक दो दिन में इसको भी काट दूंगा। अभी खेत गिल्ला है, इसी में मिला दूंगा पत्ती, फिर इन खेत में जो है खाद डालने का काम शुरू होगा। गोबर की खाद कहीं मिलेगी तो डलेगी, नहीं तो इन खेतों की जो है जुताई करके अच्छी तरह से छोड़ दूंगा, फिर 10-15 दिन के बाद जो है इनकी जुताई होगी। बस ये काम फिर रहेगा, और साथ में गन्ने डालने का काम तो है ही है, और एक बार खाद इसमें और डलेगा, इसमें जिस दिन पैर रुक जाएंगे उस दिन इसमें खाद डालने का काम शुरू होगा। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओम सूर्याय नमः। भाई धूप जब निकलती है और ऐसी सर्दी में ऐसे पाले में बहुत अच्छी लगती है, हाथों पैरों में जब भी लगती है तो मतलब एकदम गर्माहट महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में धूप ही जो है सबसे अच्छी चीज़ है। और ये जो पेड़ है, ये कर तो बहुत ज़्यादा दुखी रहे, इनको भी जो है झंगवाने का काम शुरू करना है, कोई मिल नहीं रहा झांगने वाला, करेंगे किसी से बात, इनको भी झंगवाएंगे। सबसे पहले ये खेत छुलेगा, इस खेत की छिलाई सबसे पहले होगी। भाई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।